जी फांडा ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये राघव सबके सामने अपने प्यार की पोल खोल देगा। कुछ करना होगा। One second, राघव, मैं डांस विद लेडी। Sure. आप आज बहुत खुश लग रहे हैं सर। आज मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार डांस में इतना मजा आया है और पार्टनर भी उतना अच्छा मिला है। सर, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, कोई देख लेगा। देख लेने दो। सर प्लीज, भूखी आ रही है, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। एक शर्त पर। क्या? ये सर और एम्प्लॉय का रिश्ता हम लोग टेरेस पर छोड़कर आए हैं। एक बार मुझे राघव कह दो, फिर मैं छोड़ दूंगा। राघव, अब तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए सर। बड़ी अच्छी पार्टी थी सर। यू रॉक्ड। थैंक यू। अब दोबारा ऐसी पार्टी कब होगी सर? पहले इस पार्टी का हैंगओवर तो उतर जाए। सर, मैं भी अभी चलती हूँ। हाँ रघु, आप गाड़ी लेके आना। क्या? अब खराब हो गई है? वो गॉड। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? अब मेरी गाड़ी खराब हो गई है। Oh, that's again nothing. सैमी छोड़ देगा तुम्हें। कंपक। सुपर। ड्राइव सेफ। मेरा फोन यहाँ किसने रख दिया? कल्पी। मुझे लगा तो मुझे बिना बताए चले गई। सर वो मेरा फोन पता नहीं यहाँ पर किसने रखा, वही लेने आई थी। लगता है कोई चाहता नहीं था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, इसलिए यहाँ छोड़ दिया होगा। मैं निकलूं सर, मुझे काफी लेट हो रहा है। आई भी बेकार परेशान हो रही होगी। कल्पना, मत जाओ। सर मुझे जाना होगा, वरना टैक्सी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। सर आई परेशान हो रही होगी, काफी टाइम भी हो गया। बहुत दिनों बाद अकेलेपन से साथ छूटा है मेरा। अब तुम जा रही हो, फिर से अकेला हो जाऊंगा। सर पता नहीं, हमेशा जिन्हें चाहा पर छोड़कर चले गए। नहीं चाहता कि तुम भी सो जाओ, वरना डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। जेल में पार्लर होते का है? What? सारे जैसे हालात चल रहे हैं, हम दोनों कभी भी जेल जा सकते। शट अप यार, कभी तो कुछ ठीक बोल लिया करो। जब देखो बकवास करती रहती हो हमेशा। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, समझदारी की बात कर रही हूँ। तुम बताओ ना, खड़े खड़े होकर ड्रिंक बनाते हुए तुम कैसे रोकने वाले हो राघव को चौल जाने से? और कब तक रोक लोगे गौरी को उसके सामने आने से? अगर राघव सामने आ गया ना तो पूरा चिट्ठा खुल जाना है तुम्हारा, फिर जेल ही जाओगे ना। बात तो तुम सही कह रहे हो नीतू, मगर तुम टेंशन मत लो, गौरी को तो मैं बहुत जल्दी ठिकाने लगा दूंगा। तुम ना ज्यादा होशियारी ना दिखा, सोच समझ के कदम उठाना। तुम साल, मुझे बहुत डर लगता है तुम। अगर हमारे बीते कल के गड़े मुर्दे बाहर निकल आए ना, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा हमारा। इतनी रात हो गई, कल्पी अभी तक घर नहीं आई। बाकी को फोन लगाती हूँ, उसको मालूम होगा। हाय कमला माँ, बेटा वो कल्पी है तेरे साथ? नहीं, मैं तो घर जा रही हूँ। कल्पी भी थोड़ी देर पहले पार्टी से निकल गई है, आई थिंक घर पहुँचती ही होगी। ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। जी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अपने बीते कल मैंने हमेशा छिपाए रखे कल्पी, और अपने फीलिंग्स अपने दिल में बंद कर रखे हैं। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। डैड की डेथ के बाद ऐसा कोई नहीं था जिसके सामने मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता था। ऐसा कोई नहीं था जिसके कंधों पर अपना सर रख सकता था। जो मिला मतलब के लिए मिला। उनका मतलब था राघव सिंघानिया का पैसा। कोई उस राघव को जानना नहीं चाहता था जो हमेशा अकेला था, जिसने ना तो किसी को प्यार किया ना किसी ने उसे प्यार दिया। इसलिए तो मैं ऐसा हो गया, जिद्दी, रूड, खड़ूस। वो जो ना तो किसी की जिंदगी में घुल मिलना चाहता था, ना किसी को अपनी जिंदगी में आने देना चाहता था। लेकिन अब तुम आ गई हो। तुम्हारे आने से ऐसा लगता है कि अपने बीते हुए कल की परछाई में बंधा हुआ राघव आजाद हो गया है। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ बांटना चाहता हूँ कल्पी, सब कुछ, अपनी खुशी, अपने गम, सब कुछ। और तुमसे इस नए रिश्ते की जगह बनाने के लिए। मैं अपने दिल की दबी हुई यादें खोल देना चाहता हूँ। सर ऐसी क्या बात है जिससे आपको इतनी तकलीफ है? मेरी जिंदगी का कड़वा सच, जिसने मेरे अंदर कड़वाहट भर ली है। पता है कल्पी, मैंने जिस को चाहा उसने मुझे छोड़ दिया, या मुझे उससे दूर किया गया। मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए, उन्हें मुझसे छीन लिया गया। और मेरी मां दूर तुम्हें डैड को। Zee5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।